हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके फोन पे में ये इस तरह का एक नोटिफिकेशन शो करा है, इसमें लिखा हुआ अनेबल टू प्रोसीड, वी कुड नॉट प्रोसीड योर रिक्वेस्ट टू फॉर सिक्योरिटी रीजन, प्लीज़ ट्राई आफ्टर 24 आवर। आप देख सकते हो इस तरह का आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, या अगर आप फोन पे ओपन करते हो उस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम क्यों आती है दोस्तों, इसी वीडियो में हम इसे क्लियर करें इस बात को। दोस्तों, ये प्रॉब्लम जब आती है, जब आपने कोई अपना फ़ोन स्विच किया हो किसी और नए फ़ोन में, या फिर अपने सिम को दूसरे फ़ोन में आपने इंसर्ट करिए और वहाँ पर आप अपना फ़ोन पे लॉगिन कर रहे हो, तो जब आप लॉगिन करते हो तो फ़ोन पे को लगता है कि आपने कुछ सस्पिशियस है, या कोई हैकर है जो आपके फ़ोन पे को लॉगिन करना चाह रहा है, या फिर आपके उसने सिम क्लोन कर लिया, या फिर डायरेक्ट वो किस तरह से लॉगिन करना चाह रहा है। तो इस तरह से वो 24 आवर के लिए फ़ोन को, ये आपके फ़ोन पे को ब्लॉक कर देता है। इस तरह से आप, ये होता है कि अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है, या तो अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो गया है और कोई और आपके फ़ोन में लॉगिन कर रहा है, वही सिम से ही आपके फ़ोन में लॉगिन करना चाह रहा है, तो क्या होगा, अगर वो दोस्तों फ़ोन पे को लगे कि वो हम कुछ सस्पिशियस है, तो वो उसको ब्लॉक कर देगा। तब तक हमें एक टाइम मिलेगा जिससे हम अपने सिम को ब्लॉक भी कर सकते हैं और नया सिम हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए ये करते हैं। और दोस्तों, कोई इसका कोई बाईपास सिस्टम नहीं है कि इसे हम बाईपास कर सकते हैं इस प्रोसेस को, ये बस आपके लिए ही, सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा आप पेटीएम से या फिर फ़ोनपे जीपे सेवा यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक वीडियो को, ऐसी और मजेदार वीडियो के लिए इस चैनल को आप नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल रखें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।